Hello students, in this video I am going to discuss class 6th poem Where Do All the Teachers Go? It is by Peter Dixon. So let's get started. For a little child, a teacher is special. Ek little child ke liye unke teacher kaise hote hain? Special hote hain. It is difficult for a small child to think of his her teacher as an ordinary person. Ek small child ke liye ye difficult hota hai aisa sochna ki unke jo teacher hain wo ordinary person hain. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? अब वो सोचते हैं कि जब टाइम होता है 4 o'clock तो ये सभी टीचर्स कहाँ चले जाते हैं. Do they live in houses? क्या वो भी houses में रहते हैं जैसे हम रहते हैं घर पे? And do they wash their socks? क्या वो भी अपने socks को wash करते हैं? ये बात किसके लिए सोच रहे हैं child? टीचर के लिए. Do they wear pajamas? क्या वो भी pajamas पहनते हैं? And do they watch TV? क्या टीचर्स भी टीवी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस? क्या वो भी नोज को पिक करते हैं? देखिए पिक द नोज कैसे, ऐसे इस पिक में देखिए आप, ठीक है? क्या वो भी नोज को पिक करते हैं? द सेम एज यू एंड मी? क्या जो टीचर होते हैं वो हमारी और तुम्हारी तरह होते हैं? मी यानी कि मेरी तरह और तुम्हारी तरह, ठीक है? डू दे लिव विद अदर पीपल? क्या जो टीचर होते हैं वो भी और लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या जो टीचर होते हैं उनके भी मम और डैड होते हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? क्या वो भी कभी बच्चे थे? चिल्ड्रन यानी कि वो भी कभी बच्चे थे. एंड वर दे एवर बैड? और क्या वो भी एक बेकार बच्चे थे यानी कि बैड, जो बैड हैबिट्स होती हैं ऐसे बच्चे थे? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या उन्होंने भी हमेशा ही जो स्पेलिंग है उनको राइट बोला है या नहीं बोला है? Did they ever make mistakes? क्या उन्होंने भी कभी mistakes की हैं, गलतियाँ की हैं? तो ऐसा होता है, देखिए जब आप छोटे होते हैं बच्चे होते हैं तो आपके भी माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं टीचर्स के लिए कि उनको काफ़ी स्पेशल समझते हैं आप, ठीक है? बड़े होने पर भी उनको स्पेशल मानते हैं लेकिन छोटेपन में आप सोचते हैं जब आप छोटे होते हैं क्या वो भी हमारी तरह खेलते हैं, खाते हैं, हमारी तरह रहते हैं, ठीक है? अब देखिए वर्दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? क्या जब वो टीचर्स छोटे थे तो उनको भी ऐसी पनिशमेंट मिली थी, कॉर्नर में खड़े होने की सजा मिली थी? इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? क्या उन्होंने भी चॉकलेट फ्लेक्स को खाया है क्लास में जैसे बच्चे खाते हैं? डिड दे एवर लॉस देयर हेम एंड बुक्स? क्या उन्होंने भी अपनी बुक को लॉस किया है, खोया है जैसे बच्चे खो देते हैं? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? और क्या वो हरी सब्जियाँ खाते हैं या फिर ऐसे ही इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं? अब जो उसमें सारी देखिए आप, एक जो चाइल्ड है उसके मन में कितनी क्यूरियोसिटी है टीचर के लिए, ठीक है? वो सोचता है क्या उनकी लाइफ हमारे जैसी होती है या कुछ डिफरेंट होती है? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स? यानी कि स्क्रिबल यानी कि जो काफ़ी गलत गलत लिखते हैं, ठीक है? ऐसे कर करके कुछ भी लिख देते हैं ना, उसको स्क्रिबल कहते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं घसीटे मार के लिखना, यानी कि काफ़ी ऐसा लिखना जो कोई पढ़ने में ही ना आए किसी के, ठीक है? अब ये देखिए डिड द बियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो जो टीचर होते हैं वो भी ओल्ड डर्टी जीन्स पहनते हैं? आई विल फॉलो बन बैक होम टुडे, ठीक है? आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू? अब मैं घर जाऊंगा और क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा कि वो टीचर्स कैसे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं. देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, और फिर मैं ये सारी बातों को एक पोएम में पुट कर दूंगा, ठीक है, लिख दूंगा. दैट दे कैन रीड टू यू, और फिर आने वाले टाइम में वो आपको ये चीज़ें रीड करके बताएंगे. रीड टू यू यानी कि आपको पढ़कर बताएंगे पोएम के थ्रू कि उनकी लाइफ कैसी है. ओके okay?